हेलो साथियों, आज हम आपके साथ हैं। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं हूं दीपक देवतवाल, और आप साहब को हम आज लेकर आए हैं अलवर के नटनी बारा स्थल पर। जैसा कि भाइयों आप जानते हैं, यहां पर लगातार मौसम के अनुसार सारे राजस्थान के अंदर बरसात हो रही है, पर अलवर के अंदर कोई बरसात का नजारा यहाँ पर ऐसा कोई खास देखा नहीं गया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि अलवर का नटनी बारा का दृश्य। आप देख सकते हो ये पानी आज से 1 महीने पहले का ही आया हुआ है। यहाँ पर ऐसी कोई खास नदी आई नहीं हुई है। इस नदी का नाम है रूपरेल नदी, जो कि अलवर से 2 जिलों में जाती है। एक तो अलवर के जैसमंद झील और दूसरा है जो कि भरतपुर की साइड आधा पानी बढ़ जाता है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। ये दो जगह से हमारा दृश्य बटा हुआ है। ये आधी नदी जाती है जो कि जैसमंद झील में जाती है, और दूसरा जो आधा पानी जाता है वो जाता है भरतपुर। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पर दर्शकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसा कि आज अलवर क्षेत्र में पांडु पोल जो मेला लगता है उसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों की जनसंख्या है यहाँ पर, आप देख रहे हो। और आपको नजारा भी दिखा रहे हैं हम नहाते हुए लोगों का। बाकी इस जगह पर नहाना बैन है, सख्त मना है, फिर भी यहाँ पर लोग नहा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, जैसा कि आप देख रहे हैं। नटने का बारा स्थल जो भी है यहाँ पर, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं अलवर में बरसात का बहुत ही अभाव है। अलवर में कितनी कोई खास बरसात नहीं हुई है। आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान के मौसम विभाग के अनुसार अब भी आज के दिन भी 21 जिलों में हाई अलर्ट है। जैसा कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र में आज भी बरसात का जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अलवर में कोई ऐसा हाई अलर्ट जारी नहीं है। यहाँ पर अब भी देख रहे हो आप, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसका आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ पर पानी में नहा रहे हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। क्योंकि आज अलवर के अंदर जो कि सबसे फेमस जो मेला लगता है पांडु पोल मेला, उसकी वजह से यहाँ पर आज जनता की आवाजाही बहुत ज्यादा हुई है। आपको हम लाइव नजारा दिखा रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पर लाइव आने से सब डर रहे हैं। जैसा कि भाइयों आप देख रहे हैं, ये रूपरेल नदी का दो हिस्सों में बटी हुई है, जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। ये आधा पानी जाता है जैसमंद झील में अलवर की में, और आधा पानी यहाँ पर भरतपुर को साइड चला जाता है, जो कि आप यहाँ पर दो हिस्सों में बटे हुए देख रहे हैं। कैमरामैन हमारे लगातार दिखा रहे हैं आपको लाइव वीडियो। ये नजारा और भी अच्छा रहता है जब बरसात के दिनों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नजारा और भी अच्छा रहता है बरसात के दिनों में। यहाँ पर पानी और फ्लो होता नजर आता है जब जब यहाँ पर ये नदी अपने पूरे उफान पर रहती है, लेकिन ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम लगातार लाइव रिपोर्टिंग में दिखा रहे हैं। और आगे ले चलते हैं भाई, ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, मंदिर है भगवान श्री देवनारायण देव धाम नटने का बारा, जिसके लिए फेमस था। किसी टाइम यहाँ पर एक नटनी हुआ करती थी, और राजा महाराजाओं के टाइम पर जिन्होंने एक पूरा दिखा आगे, ये इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ तक एक धागे पर चलकर दिखाया था, उसी वजह से ये क्षेत्र फेमस है नटने का बारा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई थी। जो हिस्ट्री के अनुसार हम बताते हैं, उन्होंने नीचे एक इसका राजा था, उसका कहना था कि जो उस तार पर से चलकर देखेगा, अगर उसने नीचे देख लिया तो वो उस तार से गिर जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने नीचे देख लिया था, और उसकी दुर्भाग्यवश यहाँ इस क्षेत्र में मौत हुई थी। हमारे दर्शक यहाँ पर हाथ कर रहे हैं ना, तो वह भी उनकी रिपोर्टिंग ली जाए। ये हमारे भाई जो नहा रहे हैं गर्मी का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर बरसात के मौसम में। और भाई हमसे विनती है, वीडियो को शेयर कर दे ताकि अलवर क्षेत्र में वीडियो पूरी पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे चारों। इधर आओ, हम और भी आपको दिखाते हैं। राकेश, हेलो 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 भाई, ये देखो हमारे भाई यहाँ पर नहा रहे हैं, पर यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर नहाना सख्त मना है, जिसके बावजूद यहाँ पर हमें जनता जान जोखिम में डालकर नहा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मौतें हो चुकी है इस पानी में डूबने की वजह से। आए ना आए दिन यहाँ पर कुछ घटनाएं घटती रहती है। डीएल न्यूज देखो, अलवर का राजस्थान का चैनल है। जैसा कि यहाँ के भाइयों दर्शकों में बहुत ज्यादा उत्साह है, और आज मोहल्ले के दिन यहाँ पर लोग लाइव चल रहे, कभी भी देख लो डीएल न्यूज पे, और चारों तरफ करके जनता को उत्साह दिखाया जाए। जनता यहाँ पर बहुत ज्यादा, हमारे भाई यहाँ पर जैसा कि
आनंद उठाने के लिए यहाँ पर जनता आती है बरसात के मौसम का। यहाँ पर हमारे अलवर के अंदर ये दो चार क्षेत्र ऐसे जहाँ पर पानी का उत्साह उठाने के लिए जनता आती है। दर्शक पे बहुत ज्यादा भीड़ है और ये मंदिर इसीलिए फेमस है यहाँ पर नटने के बराबर जो हमने आपको दिखाया था। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी भाइयों में उत्साह है और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो लाइव रिपोर्टिंग है आपसे विनती है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप सभी देखें ताकि अलवर के सभी भाइयों तक ये नजारा पहुंचे जो कि हम नजारा आपको दिखा रहे हैं। ये नदी आगे से आती है जो कि भरतरी साइड से आती है, आपको पूरा हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इस नदी का कैप्चर करके। ये नदी के जो पानी आता है पूरा भरतरी साइड से लेकर पूरा पानी यहाँ पर आता है जो कि दो जगहों पर बढ़ जाती है। पांडुपोल भरतरी जो इलाका है जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पर आज मेला है पांडुपोल का, उसकी वजह से यहाँ पर जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है।